अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी हम पहुंचे हैं रावलपिंडी फैजाबाद। तो अभी यहां से लेनी है फैजाबाद की बस, एक बस खड़ी भी है वैसे तो। तो अभी याद कर रहे हैं दूसरी बस देनी है, वो उस साइड पे गया है पीछे। तो वहां पे पता करते हैं कि बस आती है कि वहां पे बस मिलती है कि नहीं मिलती। बस अल्लाह करे वो बस मिल जाए या कोई अच्छी बस मिल जाए, नहीं तो इस बस में सीट हमें मिल जाए तो इंशाल्लाह ताला चलेंगे इंशाल्लाह ताला वापस। हम आज धुंध का काफ़ी ज़्यादा मसला है, तो धुंध जो है गिर जाती है जल्दी ही। तो बस आज इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह घर पहुंचेंगे। चलिए जी, आहद भी आ गया, उधर से टिकट नहीं मिली तो यहाँ से ले लेते हैं। बस हमारी तैयार रेडी खड़ी है, 5 मिनट में निकल जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो अभी यहाँ से टिकट ले लें। टिकट का क्या बना, हो गई है तो जल्दी करो। मुदम्मा किधर है? चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। चलिए अपने बैग वगैरह यहाँ पे रखवा देते हैं, जो सवारियाँ वगैरह वो बैठ गई हैं इसके अंदर, सामान रखवा लेते हैं। सामान रखवाना यार। चलिए जी गाइस, फाइनली बैठ चुके हैं बस में। तो अभी इंशाल्लाह ताला रास्ते में कहीं ज़्यादा धूम रहा हूँ, तो अल्लाह खैर पैसे हमें पहुँचा दे। टूट गया, टूट गया, तो सारा ही तोड़ता मैं। चलो जी, चल भी टांगा तोड़। तोड़ना तो हाँ। अच्छा जो है काफ़ी ज़्यादा गिर रही है, तो जिसकी वजह से आई थिंक मोटरवे जो है बंद कर दी गई है। आपको गाड़ियाँ खड़ी नज़र आ रही होंगी, ये बस खड़ी हुई है, वो गाड़ी खड़ी है, पता नहीं क्या इशू है यहाँ। फोग की वजह से बाहर से जो शीशा है हमारा वो धुंधला सा हो गया, लेकिन लाइन जो है आपको नज़र आ रही होगी वो तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ वो आगे। तो रहा है कि मोटरवे खोल दिया, अभी गाड़ी हल्की हल्की सी चल रही है, अभी ये चली है ना हमारी गाड़ी, तो लग रहा है कि मोटरवे खोल दी गई है। ये देखे भागे भागे जा रहे हैं, भागे भागे जा रहे हैं पीछे तक, लाइन से पीछे तक। फाइनली हम पहुंच चुके हैं फैसलाबाद अपने इलाके में। तो यहाँ पे अभी धूप में ऐसा गिरना स्टार्ट हुई, अभी इतनी खास ज्यादा धूप पड़ी नहीं थी। खाना खाना चलो ये अभी चलते हैं खाना खाने के लिए। बेहतर इधर ही है। अभी खाना खाते हैं जाके हजारा होटल से। तो हजारा होटल एक को अड्डे के पास ही है, तो वहाँ से नहीं खाएंगे, एक आता है आगे जाके। तो अभी वहीं पे जाने पैदल मार्च, तो थोड़ा सा पैदल मार्च करें, सफर ही सफर था, तो टांगे थोड़ी सी खुल जाएंगे। हमारा प्लान जो है चेंज हो गया, तो अभी हम जा रहे हैं समुद्री, क्योंकि यहाँ से ना 1 बजे के बाद बस नहीं मिलेगी तकरीबन 12 बजे के बाद। तो अभी यहाँ से बस लेते हैं, समुद्री पहुँचते हैं, फिर जाके करते हैं कुछ खाना वगैरह खाते हैं। चले जी बस आ गई है, बैठो बस में। चले जी गए समुद्री तो पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे धुंध जो है काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई है, ये चेक करें, नज़र ही नहीं आ रही, बस ही नहीं नज़र आ रही, जिसमें हम आए वो बस ही नहीं नज़र आ रही। तो अभी देखते हैं यहाँ पे होटल वगैरह खुला कि नहीं, तो यहाँ से खा लेते हैं खाना। हाँ मुझे तो लग रहा है बंद है होटल, होटल तो खुला हुआ है, तो अभी ऑर्डर दे दिया। चले जी हमारा आ गया है, बीफ करवाया था, तो अभी खा लेते हैं खाना। चाय भी आ गई है, तो चाय पी लेते हैं अभी। चले जी गाइस नाश्ता वगैरह भी, नाश्ता कर रहा हूँ, खाना वगैरह खा लिया, तो नाश्ता भी वैसे यहाँ पे लग रहा है अभी से। तो टाइम जो हो रहा है ना तकरीबन 2:30 बज गए, अभी लाइट गई थी दोबारा से आ गई है, और धुंध इतनी शदीद है कि सांस लेने में भी थोड़ी सी मुश्किल आ रही है,
और हथे निकाल तो वैसे ही कम है। अभी चलते हैं घर पहुंचते हैं तो पता नहीं घर जाके कोई दरवाजा वगैरह खोलेगा कि नहीं खोलेगा, सारे सो रहे होंगे। चले देखते हैं जाके, तो जाके इंशाल्लाह ताला ना घर का बिस्तरा बहुत ज्यादा आ रहा है, जाके लेटना ही है इंशाल्लाह। मैं क्या घर वाला बिस्तरा बहुत ज्यादा रहा, बहुत ज्यादा ऐसा वैसा। हां हां अम्मी लग रही है मुझे तो वो ओए होए एक बार खेत के चंद मारदा मोड़ लग। हां दौड़ो दौड़ो ये होयो, पता नहीं क्या नजर भी नहीं आ रहा होगा भाई। ओए ओए मैं पीछे ना पै जाए फॉलो हो रही थी ना। चले अभी चलते हैं घर, अभी पैदल ही सफर करते हैं। तो खाना काफी हैवी हो गया था तो पैदल ही सफर करना है हमने इंशाल्लाह घर तक का, ताकि खाना वगैरह हजम हो और जाके लेट जाएंगे इंशाल्लाह। चलो जी गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग घर। तो अभी टाइम जो हो रहा है तकरीबन 3 बज गए होंगे, तो अभी बस सोते हैं जाके जल्दी जल्दी से। तो इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म कर देते हैं। बस अल्लाह का शुक्र है कि हम खैर वीर से पहुंच गए हैं घर, तो हमारा ट्रिप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। तो ब्लॉग खत्म करते हैं, अगर आपको अच्छा लगे होगा हमारी ये पूरी सीरीज़ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे सपोर्ट करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करें। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।